हेलो स्टूडेंट्स आई होप आप सब खैरियत से होंगे आज हमारा वीक थ्री है और वीक थ्री का जो लेक्चर है आज हमारा वो है रिलेशंस। प्रीवियसली हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट फंक्शंस थे उसमें कि फंक्शन क्या चीज़ है उसके बाद हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था और फंक्शन कंपोजिशन पढ़ी थी ठीक है कि हम दो फंक्शंस को कैसे कंपोज करके एक तीसरा फंक्शन उससे बना सकते हैं तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेशन तो चलिए देखते हैं कि रिलेशन क्या है। आज की जो हमारी चैप्टर समरी है जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद हम इक्वलेंस रिलेशन को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज से यहाँ पे जो इस टॉपिक की समरी है वो है रिलेशन की डेफिनेशन कि रिलेशन क्या है उसको समझेंगे उसका इंट्रोडक्शन होगा ब्रीफ़ उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वन बाय वन जिसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन और उसके बाद साइमेट्रिक रिलेशन क्या चीज़ है उसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है तो ये काइंड ऑफ रिलेशन हैं ये इसको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं तो देखते हैं वन बाई वन पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन कि रिलेशन क्या है एंड देन फिर मूव करेंगे हम प्रॉपर्टीज की तरफ तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन है इसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं और सिंपल एक रिलेशन भी कहा जाता है इसको तो चलिए डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या है हमारे पास रिलेशन या बाइनरी रिलेशन लेट ए एंड बी बी सेट्स दो सेट है हमारे पास हम लेट कर रहे हैं ज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी तो उसके दरमियान बाइनरी रिलेशन क्या है या रिलेशन क्या है बाइनरी रिलेशन आर सिंपली अ रिलेशन आर जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जब भी हम दो सेट्स ए और बी का, का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले पढ़ा होगा जब भी हम दो सेट्स का ए क्रॉस बी करेंगे जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं और उसमें से जब हम ऐसे सेट पेयर उठाएंगे जो कि सबसेट होगा उसी एक रात बी का तो उसको हम रिलेशन कहते हैं ठीक है यानी हम क्या कर रहे हैं ये रिलेशन या बाइनरी रिलेशन रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ठीक है दो एलिमेंट्स के जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा था कि हम दो सेट्स के एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशन बिल्ड करते थे तो इस सबसेट को हम क्या कहेंगे आर रिलेशन कहेंगे और वो सबसेट किसका सबसेट होगा एक रास बी का सबसेट होगा यानी एक रास बी करके जो हमारे पास सेट बनेगा एक पूरा कार्टिशन प्रोडक्ट बनेगा उसमें से हम कुछ पेयर्स उठाएंगे और वो पेयर्स क्या होंगे वो हमारा रिलेशन होगा रिलेशन को आइडेंटिफाई करेगा इसको फर्दर हम एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगी ये बात तो रिलेशन या बाइनरी रिलेशन क्या है binary, दो को कहते हैं। तो आपके जो सेट है उसमें दो पेयर्स होंगे ठीक है दो दो के pairs होंगे, होंगे भी इसे कहा जाता है हमारे पास दो के। तो लेट ए एंड बी सेट दो सेट जैसे फंक्शन में ए टू बी हम एक सेट से दूसरे सेट में जाते थे फंक्शन में तो ए टू बी के दरमियान में क्या रिलेशन आर को क्या कहेंगे इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सिंबोलिकली उसकी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी का मतलब है कि हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं जरब दे रहे हैं दो सेट्स को तो आपको पता है कि दो सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है हम फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का उठाते हैं और कामा लगा के उसके साथ दूसरे सेट का फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं तो वो हम फिर एग्जांपल में मजीद देंगे सपोज मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे किस ऑर्डर में होंगे आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर वेयर ईच फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए एंड ईच सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम बी आपके पास जो पेयर बनेगा रिलेशन का वो कुछ यूं होना चाहिए कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट सेट से आया हो आया हो और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आया हो यहाँ पे फर्स्ट सेट हमारा ए है और सेकंड सेट बी है तो आपका जो रिलेशन है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे एक ऑर्डर में होंगे ठीक है अनऑर्डर नहीं होगा, उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेट ए का होगा और सेकेंड एलिमेंट हमेशा सेट बी का होगा इसका दैट इज इसका मतलब है फॉर ईच पेयर ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करे सेट ए से एंड बी जो सेकेंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा सेट बी से एग्जैक्टली वन ऑफ ट्रू ठीक है इसमें हम फिर ये दो बातें साबित करेंगे कि ए बी अगर बिलोंग करता है आर से रिलेशन से यानी जो एलिमेंट आपने सेट ए से और बी से उठाए हैं अगर वो रिलेशन में मौजूद है तो हम कह सकते हैं वी देन से ठीक है वी कैन देन से ए इज आर यानी ए इज रिलेशन रिलेटेड टू बी ठीक ठीक है क्या है ए रिलेट कर रहा है किसको बी को और इसको हम इसको कैसे लिखते हैं सिम्बॉलिकली ए आर बी यानी ए रिलेट टू बी ठीक है दूसरे में क्या है हमारे पास ए बी अगर नहीं बिलोंग करते रिलेशन से आपने ऐसे पेयर उठाए हैं जो कि रिलेशन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे वी से दे के ए इज नॉट रिलेटेड यानी आर रिलेट टू बी ए इज नॉट आर टू बी या आर मीज रिलेटेड ठीक है यहाँ पे डैश के बाद इसको लिखा गया है आर को रिलेट किया गया रिलेटेड के साथ इसको रिवेट किया गया है कि कि ये हम 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 बोलेंगे और उसको हम लगा के R पे तो हम उससे डिनोट करते हैं कि ए का यानी पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी से रिलेट नहीं कर रहा इस एलिमेंट से यहां पे एक और बात कही गई है कि बाइनरी रिलेशन आर आर सिंपली सिंगल सेट ए ए इज़ ऑफ़ अगर आपको एक ही सेट दिया गया है और आपको कहा जाए कि उसमें से आप फॉलोइंग फार्मूला लगा के रिलेशन फाइंड करें ठीक है तो आपने सिंगल सेट को यू कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका बनाना है कि उसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है यानी ए में अगर वन टू थ्री है तो उसको आपने दूसरे साइड पे भी वन टू थ्री लिख के आपने उन दरमियान उन दोनों के दरमियान में कार्टिशन प्रोडक्ट करना है मल्टीप्लीकेशन करनी है ए टू ए अगर दो सेट दिए गए हैं ए और बी फिर तो आसान है फिर आप क्रॉस एक फाइंड करेंगे सबसे पहले देन उसके अंदर आप फिर रिलेशन बनाएंगे आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा ठीक है कोई आपको बिल्डर नोटेशन दी गई होगी सेट बिल्डर नोटेशन दी गई होगी कि उसकी बेसिस पे आपने फॉर एक रिलेशन एक बनानी है इस एक रास बी से कार्टिशन प्रोडक्ट से तो आप वो फाइंड करेंगे देन उसके बाद फिर हम उसमें बताएंगे कि ये रिलेट कर रहा है या ये रिलेट नहीं कर रहा सेकेंडली ये डिफिनीशन है कि बाइनरी रिलेशन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स से बाइन्री का मतलब टू होता है तो हम एलिमेंट उठाएंगे दो सेट से ठीक है पेयर बनाएंगे यहाँ पर डोमेन और रेंज भी यूज़ किया गया है और डोमेन डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दर्डर पेयर व्हिच बिलोंग्स टू आर डिनोटेड बाय डोमेन ऑफ आर डोम आर ठीक है जो आपके जो सेट में फर्स्ट एलिमेंट है ये ए ए ये फर्स्ट एलिमेंट आपके जितने भी होंगे उसके साथ दूसरा पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके बाद तीसरा पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट ये सारे डोमेन कहलाते हैं एंड रेंज इज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ दर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू आर डिनोटेड बाई रे रन आर ठीक है रन आर रेंज से है तो जो भी दूसरा एलिमेंट है बी यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट यहाँ पे भी दूसरा एलिमेंट जितने भी आपके जो सेट हैं छोटे पेयर्स हैं सेट के उसमें दूसरा एलिमेंट हमेशा रेंज कहलाता है फर्स्ट एलिमेंट उस सेट में पेयर का हर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है तो हम रिलेशन किसे कहते हैं रिलेशन बेसिकली आपके जो दो सेट होते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हम उससे रिलेशन निकालते हैं रिलेशन बनाते हैं जो उसका सबसेट भी होता है यानी उसमें उसके जो रिलेशन के एलिमेंट है ठीक है जी तो चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं उसको फर्दर मजीद समझते हैं हमें एक सेट दिया गया है सिंगल सेट ए ठीक है जी तो आपको समझने के लिए बल्कि यहाँ पे दो सेट दिए गए ए और बी ठीक है जी तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन या बाइनरी रिलेशन क्या है और फर्दर भी जो भी एग्जांपल आएगी तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने है ये एक क्वेश्चन दिया गया है ए और बी दो सेट हैं वन टू ठीक है सेट ए में हमारे पास वन टू है और उसके बाद हम देखते हैं सेट बी में हमारे पास वन टू थ्री है ठीक है जी सेट में हमारे पास वन टू थ्री है ठीक है जी तो अब करना क्या है हमने हमें क्वेश्चन दिया गया है यू ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके पास दो सेट होंगे सेट ए में वन टू है हमारे पास एलिमेंट और सेट बी में वन टू थ्री है तो डिफाइन बाइनरी रिलेशन आर सिंपल अ रिलेशन में आपको बनाना है रिलेशन और वो कैसे बनाएंगे तो आप यहाँ पे देख लें आपके पास जो पेयर होगा ए और बी वो बिलोंग करेगा कार्टेशन प्रोडक्ट से सबसे पहले तो आपने कार्टेशन प्रोडक्ट बनाना होगा उसके बाद आपने उसमें से पेयर उठाना है पेयर कैसा होना चाहिए सच ये देखें ये आपको वो मैंने पहले बताया था सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन लगी हुई है वर्टिकली तो इसका मतलब है सच दैट आपका जो पेयर है सबसे पहले आपने करना क्या है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होगा एक रास भी करना होगा वो और उसमें से एक कुछ पेयर उठाएंगे जो बिलोंग करेंगे इस कार्टिशियन प्रोडक्ट में ठीक है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम काटी वो सेट बिल्डर नोटेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास पेयर है ठीक है ए बी का जो बिलोंग करता है ए क्रास बी से और सच देट आपका जो रिलेशन जो बनेगा वो कुछ यू बनेगा ये ए बी के जो पेयर हैं इनमें कौन से एलिमेंट आएंगे ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि उसका जो ए है वो स्मॉल हो लेस हो बी से ठीक है, जो की वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू हमेशा लेस हो किस से जो सेकेंड एलिमेंट है ऐसे पेयर आपने उठाने हैं कार्टिशियन प्रोडक्ट से ठीक है जी आप सबसे पहले कार्टिशियन प्रोडक्ट करें देन उसके बाद क्या करें उसमें से पेयर निकालें वो कौन से पेयर निकाले किस शक्ल के यू इस शक्ल के कि फर्स्ट एलिमेंट स्मालस हो, लेस हो एलिमेंट से ठीक है इज लेस देन बी ये आपने करना होगा सबसे सबसे आपने ये बनाना है सबसे पहले फिर उसके बाद फाइंड करना है फाइंड ऑर्डर इन आर कौन से पेयर बनते हैं किस किस्म के पेयर बनते हैं वो फाइंड करने हैं फिर या कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनते हैं वो फाइंड करने हैं देन फाइंड रेंज ऑफ आर डोमेन कौन सी है रेंज कौन सी है और फिर ये बताएं कि क्या उसमें वन रिलेट करता है थ्री से या टू रिलेट करेगा टू से इस तरह का कोई पेयर बनेगा वन थ्री का पेयर या टू थ्री का टू टू का, का पेयर इस तरह का भी इसमें कोई पेयर होगा या नहीं होगा तो चलिए इसको फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि इस तरह का कुछ है या नहीं तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दो सेट हैं ए और बी ठीक है जी अब सबसे पहले हमने करना क्या है उनका कार्टिशन प्रोडक्ट फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे एक राज भी करेंगे तो एक राज भी कैसे करते हैं फर्स्ट एलिमेंट का इसके साथ सेकेंड में से इसके साथ ठीक है तो ए के साथ फिर एक दो के साथ फिर एक तीन के साथ तो ये तीन पेयर बन गए मल्टीप्लीकेशन हो गई वन वन के साथ फिर वन टू के साथ फिर वन थ्री के साथ यहाँ हाथ फिर दूसरे को उठाना है दूसरे एलिमेंट को 2 का 1 के साथ फिर 2 का 2 के साथ ठीक है फिर 2 का 3 के साथ तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हमने ये फार्मूला लगा के ये कर दिया अब ये सॉरी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ हमने फाइंड किया है ठीक है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करके हमने पेयर्स फाइंड कर दिए हैं अब हमने ये रिलेशन बनानी है इस बताए हुए मुताबिक मुताबिक हमने एक रिलेशन बनानी है तो रिलेशन कैसे बनेगी वो एलिमेंट जो जिसका फर्स्ट वो पेर, जिसका फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल हो सेकेंड से तो वो सिर्फ हम उठाएंगे तो वो हमारी रिलेशन होगी तो हमने आर लिख के इज इक्वल टू और ब्रेसेस देन पेयर इसके अंदर लिखने हैं तो कौन सा से पेयर इसमें से उठाऊं जो हमारा इस उसको फुलफिल करें इस कंडीशन को तो इसमें से इसको नहीं उठा सकता क्योंकि दोनों बराबर हैं हाँ इसको उठा सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलर है सेकेंड एलिमेंट से ए छोटा है बी से तो ए वन टू आ जाएगा एक पेयर हमारा दूसरा पेयर हम ये देखते हैं वन थ्री ये भी सही है ये भी आ जाएगा टू वन नहीं ये नहीं आ सकता क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही रिलेशन हमारी अब बन रही है रिलेशन आर हमने फाइंड करना है फाइंड दी आर्डर पेयर इन आर आर में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इसके मुताबिक आएंगे तो आपका फर्स्ट ये, पेर आ गया, ये भी आ गया ये नहीं ये नहीं और ये वाला है. टू थ्री ठीक है तो ये हमारे तीन पेर इसमें आ गए हैं क्या तीन हमारे ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएंगे तो ये हमारे आंसर आ जाएगा एक आंसर हमारा ये होगी कि थ्री हमारे ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड है ठीक है जी तो उसमें वन टू वन थ्री और टू थ्री तो एक फाइव एक काम तो हमने कर लिया ये भी हमारा हो गया अब हमने एक को सॉल्व कर लिया फाइंड दी ऑर्डर पेयर इन आर आर में हमने ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट हमें दी गई थी कि आपने जो रिलेशन है वो इस स्टेटमेंट के मुताबिक बनानी है तो हमने इस स्टेटमेंट इसके मुताबिक बना दी है कि आपके जो ऑर्डर पेयर हैं वो आपके एक रास बी से बिलोंग करेंगे जी ठीक है ये सब तीनों इसमें मौजूद हैं एक रास बी में ठीक है जी रिलेशन के ये जो पेयर बनेगा जो जितने भी पेयर होंगे बिलोंग करेंगे प्रोडक्ट से तो ये भी इसमें बिलोंग कर रहे हैं वन टू बी मौजूद है ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये आपका क्या है सबसेट है एक रास बी का इसको डिफाइन किया गया है इस तरह से कि रिलेशन क्या है सबसेट सबसेट ऑफ़ ऑफ़ बी आर इसका मतलब अब हमारा सेकंड था द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर डोमेन और रेंज क्या थी तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट हर पेयर का ठीक है वो इसका डोमेन है तो वन वन टू वन वन टू इसका क्या है वन को एक बार आप लिख लेंगे दो बार है तो वन टू इसका डोमेन है और रेंज क्या है इसकी सेकेंड एलिमेंट टू थ्री 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 तीन दो बार है तो टू थ्री इसका रेंज है और वन टू इसका डोमेन है तो ये आपका आंसर आ गया दूसरा ठीक है जी ये दूसरा आंसर हो गया इसका डोमेन आर हमारा वन टू है और रेंज हमारा आर टू थ्री फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर इज ए डोमेन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच पेयर इज ए रेंज तो ये दो बार है तो हम इसको एक बार ले रहे हैं थ्री को और दूसरा जो न्यू यूनिक एलिमेंट है वो है टू तो टू थ्री रेंज है यहाँ पे भी वन वन दो बार है तो हम एक बार लिख रहे हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट टू है तो वो यूनिक है तो इसको है। और तीसरा क्वेश्चन था कि क्या इसमें ऐसा कोई पेयर है वन थ्री का वन रिलेट करे थ्री से जी हां वन थ्री का पेयर है तो यस वन रिलेट कर रहा है थ्री से क्या इसमें टू रिलेट कर रहा है टू से तो इसमें टू टू का कोई पेयर नहीं है तो हम इसको कहेंगे कि टू डज नॉट टू रिलेट टू टू रिलेट नहीं कर रहा तो यू आपका आंसर बनेगा सिंस वन थ्री बिलोंग्स टू आर सो वन रिलेट टू थ्री ये यस है आंसर है बट टू कम नॉट बिलोंग्स टू आर सो टू रिलेट टू या टू इज नॉट रिलेटेड विद ट्रू तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ये इसका आंसर होगा उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ गया होगा बहुत आसान है आपको के रिलेशन या बाइनरी रिलेशन क्या है उसके जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा आपको यू दिया गया होगा यहां तक ठीक है जी यहाँ से यहाँ और आपको कहा कोई नोटेशन दी गई होगी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे ये ए ले ग्रेटर देन बी भी हो सकता है ए टू बी भी हो सकता है ठीक है बराबर होने चाहिए दोनों तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे तो ये इसके मुताबिक आपने फिर रिलेशन बनानी होगी और वो जैसे यहाँ पे बनी हुई है सबसे पहले कार्टिशन प्रोडक्ट करना होगा जो कि लिखा गया है यहाँ पे कि रिलेशन हमेशा सबसेट है कार्टिशन प्रोडक्ट का तो आपने इससे पहले उसका मेन सेट मालूम करना है तो वो एक रात बी से आप मालूम होगा तो एक रास बी आप जैसे करेंगे वो मेन सेट का आपको दे देगा उससे फिर आपने रिलेशन निकालनी है रिलेशन का सेट निकालना है वो भी हमने निकाल दिया देन आपने क्वेश्चन सोल्व करने ठीक है जी तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए सारे ठीक है जी तो ये हमारा आ, रिलेशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन उसकी एक्सप्लेनेशन अब मजीद उसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज को देर आर सेवरल प्रॉपर्टीज देर आर यूज टू क्लासीफाई रिलेशन ऑन ए सेट ठीक है हम किसी भी सेट पे आ, ये प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज के जरिए इनको यूज करके रिलेशन को बिल्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं क्लासेस में डिफाइन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं एक ही सेट को हम उस पर अप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उससे हम फिर डिफरेंट रिलेशन डिफरेंट शक्लें बनाते हैं रिफ्लेक्सि रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन तो ठीक है चलिए देखते हैं कि क्या है सबसे पहले अब हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जैसे इसका नाम है रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स अपना रिफ्लेक्स जैसे होता है जैसे आप आईने में अपना रिफ्लेक्स देखते हैं किसी भी चीज का रिफ्लेक्स खुद से खुद तक ठीक है जैसे आप अपने देखते हैं किसी टॉर्च को आप किसी मिरर पे जब रखते हैं तो दूसरी तरफ लाइट आ जाती है लाइट की निशान बन जाता है रिफ्लेक्स हो जाता है तो वही चीज जो खुद से खुद तक होती है अपना अक्स होता है ठीक है ये तो यहाँ पे भी वही बात है रिलेशन है डिफिनीशन क्या है रिलेशन आर यानी सेट ए इसका रिलेशन आर सेट ए की रिफ्लेक्सिव कहलाती है इफ अगर हर एलिमेंट इफ एवरी एलिमेंट स्पेसिफिक किया गया है एवरी हर एलिमेंट ठीक है यहाँ पे दो वर्ड यूज होंगे कहीं पे आल यूज होगा आल स्पेसिफिक नहीं है आल का मतलब है कोई भी उसमें जितने भी आ जाए लेकिन एवरी हर एलिमेंट स्पेसिफिक कर दिया गया है एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्स ऐसी जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सब का खुद से खुद तक का रिफ्लेक्स ठीक है रिलेशन उनको हम आर कहलाता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है ठीक है वो रि रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा जिसमें सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ पेयर बनाए ठीक है ये खुद के साथ पेयर बना चुके होंगे या मौजूद होंगे उस रिलेशन में उसको रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं बस ठीक है अब ये एग्जांपल से आपको समझ आएगा फॉर एग्जांपल सेट ए है ठीक है वन टू थ्री अब यूं तो अगर हम इसका कार्टिशन प्रोडक्ट करेंगे डेफिनेटली सबसे पहले आप कार्टिशियन प्रोडक्ट ही करेंगे तब आपके पास ये पेयर बनेंगे अब ए सिंगल सेट है तो मैंने आपको बताया कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कुछ यूं होगा ए क्रॉस यानी दूसरे साइड पे भी ए होगा यहाँ सेट पूरा तो वन का टू के साथ वन का थ्री के साथ फिर टू का टू के साथ टू का वन के साथ टू का थ्री के साथ फिर थ्री का थ्री के साथ अपने साथ यानी और फिर थ्री का वन के साथ थ्री का टू के साथ तो इसमें जितने भी इस शक्ल के एलिमेंट अब तीन एलिमेंट हैं तीनों अपने साथ पेयर बना रहे हैं वन वन टू टू थ्री थ्री ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है ऐसा जो रिलेशन जिसमें आपको कंप्लीट एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के उनके अपने साथ रिलेशन के पेयर मिले ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं किसी में अगर एक भी कम हुआ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन वन का पेयर है और टू टू का है थ्री थ्री का नहीं है जबकि यहाँ पे वन टू थ्री एलिमेंट है थ्री भी है तो थ्री का थ्री के साथ का एलिमेंट यानी तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए ये लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए ए के तमाम एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ खुद के साथ रिलेट करें तो इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं किसी भी सेट में ठीक है जी दोबारा सुन लें सेट किसी भी सेट में हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे जब तमाम एलिमेंट उस सेट ए के खुद के साथ रिलेट करेंगे रिलेशन बिल्ड करेंगे तो उसको हम कुछ यूँ लिखेंगे दैट इज फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम है ए और ए ठीक है ये और ये सेम है ये भी ए है और ये भी ए है ये बिलोंग करेंगे आर के साथ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए जितने भी ये ए हैं ये भी वन है ये भी ए है ये भी वन है ये भी ए है ये भी ए है और ये भी ए है ये भी ए है और ये भी ए है क्योंकि ये सेम है ठीक है ए बी सी इस तरह अगर हम देखें ये ए बी सी है तो फिर ये ए ए है ये बी बी है ये सी सी है तो आप यहां सेम सेम को रिप्रेजेंट जस्ट ये वेरिएबल यूज किया गया सिमिलरिटी के लिए तो फर्स्ट एलिमेंट ठीक है जितने भी एलिमेंट हैं वो दोनों सेम हो फर्स्ट भी वही हो और सेकंड भी वही हो खुद से खुद तक ठीक है खुद से खुद तक अक्स है रिफ्लेक्स है या इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए रिलेट टू ए ए आर ए ठीक है तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं कि वो खुद से खुद तक रिलेशन बनाते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं मजीद आपको क्लियर हो जाएगी ये एग्जाम्पल डायरेक्ट की गई है कार्टिशन प्रोडक्ट करके इससे कुछ रिलेशन बिल्ड किए गए डिफरेंट रिलेशन ऑन वन टू थ्री फोर ठीक है R1, R2, on one, two, three, कोई एक रिलेशन है हमारे पास उससे हमने ये कुछ रिलेशन बिल्ड किए हैं विच ऑफ दीज रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या है ठीक है तो आपने इसको एग्जामिन करना है ऑफ़ इट्स ठीक है जो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है वो आपने इसमें अप्लाई करनी है और एग्जाम करना है उसकी एग्जामिनेशन करनी है कि क्या उसमें कौन सी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है जो फुलफिल कर रही है रिफ्लेक्सिवनेस को तो वन टू थ्री फोर सबसे पहले तो ये एलिमेंट देख लें कि वन भी है टू भी है थ्री भी है फोर भी है अब आपको इसमें से ऐसी रिलेशन फाइंड करनी है जिसमें ये चारों खुद से खुद तक का पेयर बनाए ठीक है ऐसा पेयर मौजूद हो उस रिलेशन में जो खुद से खुद तक का हो ठीक है अपने से अपने तक का तो हम इसमें वन का देखते हैं जी वन का वन के साथ पेयर है इसमें फिर आते हैं आगे बाकी छोड़ दें सिर्फ आप ये कंप्लीट देखें कि ये सारे अपने में बना रहे हैं क्योंकि हमने कोई फार्मूला यूज करके स्टेटमेंट यूज करके ये रिलेशन बनाए हैं तो जरूरी नहीं है कि कंप्लीट वो एक रास् बी ही हो हमने इसमें से कुछ सबसेट निकाले हैं अगर वो कंप्लीट एक रास बी करेंगे हम तो वो इम प्रॉपर सबसेट होगा इम्प्रॉपर यहाँ पे सिर्फ हम सबसेट की बात कर रहे हैं सबसेट में हमेशा वो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है तो हम इसको कम में देख रहे हैं प्रॉपर है। तो वन से वन तक का भी मौजूद है और इसके बाद टू से टू तक दूसरे एलिमेंट का भी है इसमें फिर इसमें देखते हैं थ्री का थ्री के साथ नहीं है फोर का फोर के साथ है तो एक एलिमेंट कम है तो इसका मतलब है ये हमारा क्रॉस हो जाएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट हमने चौके हर एलिमेंट एवरी के लिए है हर एलिमेंट के लिए देखना था लेकिन यहाँ पे का रिफ्लेक्स नहीं है इसमें तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है दूसरे में आते हैं दूसरे में देखते हैं वन का वन के साथ है और वन का पे टू टू का वन और टू का टू के साथ भी नहीं है थ्री का थ्री के साथ भी नहीं है इस सेट में और फोर का फोर के साथ भी नहीं है तो ये भी नहीं है आर टू भी हमारा क्रॉस इसमें भी हम इसको रिफ्लेक्शिव नहीं कह सकते आर थ्री की तरफ आते हैं रिलेशन थ्री है हमारे पास वन का वन के साथ इसमें मौजूद है इस रिलेशन में उसके बाद टू का टू के साथ भी रिफ्लेक्स मौजूद है थ्री का थ्री के साथ भी है और फोर का फोर के साथ भी है तो ये हमारा टिक हो जाएगा ठीक है जी ये हमारा ओके है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सो आर थ्री इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन वेयर आर वन एर टू आर टू आर नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये इसका आंसर है कि

आंसर है और ये इसकी एग्जाम्पल है बहुत ईजी है उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी सेकेंड है हमारे पास अब साइमेट्रिक बाद रिफ्लेक्सिव में तो खुद से खुद तक की बात थी अब यहाँ पे हम देखते हैं साइमेट्रिक में क्या है रिलेशन आर ए सेट ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ठीक है यहाँ पे एक चेक लगा दिया है इफ एंड ओनली इफ A is related to B implies that B is related to A. That is, if AB belongs to R, then BA also belongs to R. For all AB belongs to A. अब ये all कलवज है, every नहीं है. Every में specific होता है, यहाँ all है. जो भी pair हम उठाएंगे relation में, जो भी होगा, वो कम से कम A से belong करता हो. Set A में वो हो. तो वो कोई भी हम पेयर उठा सकते हैं ए बी का दो डिफरेंट एलिमेंट्स का पेयर होगा सेम एलिमेंट्स का नहीं होगा दो डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा जो कि बिलोंग करेगा ए से ठीक है वो कौन से कोई सा भी हो सकता है ठीक है कंप्लीट ना हो तो कोई बात नहीं अगर आपके वन टू थ्री फोर है तो जरूरी नहीं है कि सारो के होना चाहिए जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने हर एलिमेंट का रिफ्लेक्स करना था यहाँ पे कोई सा भी पेयर हम उठा लेंगे और उसका हम उलट देखेंगे बस ये सिर्फ देखना है कि आपके रिलेशन में जो भी पेयर है उसका उलट भी मौजूद हो वो साइमेट्रिक कहलाएगा वो रिलेशन ठीक है जी आपके पास जो भी रिलेशन आप बना रहे हैं सेट ए से जो भी पेयर आप बना रहे हैं उठा रहे हैं उसका रिफ्लेक्ट उसका साइमेट्रिक उसका उलट मौजूद हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए भी उठाया है जो कि बिलोंग करता है आर से तो उसी रिलेशन में बी ए भी होना चाहिए यानी उलट इसका ए बी के साथ साथ उसका बी ए भी होना चाहिए हर एलिमेंट का हर पेयर का सॉरी ठीक है हर पेयर का उलट होना चाहिए बस वो आपका रिफ्लेक्सिव सॉरी साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी एज रिलेटेड टू बी अगर ए रिलेट कर रहा है बी बी रिलेट करे इस तरह का भी एक पेयर हो एक पेयर ऐसा पड़ा हो उसी रिलेशन के सेट में और दूसरा पेयर यू पड़ा हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कहता है कहलाता है या उसको हम यू भी बोल सकते बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर और अगर उसका ये पार्ट मौजूद नहीं होगा उसका उलट पार्ट मौजूद नहीं होगा आपका रिलेशन में तो वो रिलेशन आपकी साइमेट्रिक नहीं कहलाएगी ठीक है जी तो ये जरूरी है कि हर पेयर का उलट मौजूद हो रिफ्लेक्सिव में जस्ट हम उसका अपना रिफ्लेक्सिव उसका अपना रिफ्लेक्सिव सेट देख रहे थे खुद के साथ रिलेशन देख रहे थे बाकियों को हमने चेक नहीं किया यहाँ पे हमने करना क्या है कि जो भी पेयर है उसका उलट मौजूद हो तो वो आपका सोमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा तमाम एलिमेंट के लिए यही फार्मूला है फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास वन टू थ्री तो उसमें से हम साममेट्रिक का एक हमने पेयर निकाला है एक रिलेशन दी गई है टू थ्री तो जब हम दूसरे पेयर को देख रहे हैं तो वो मौजूद है उसकी थ्री टू इसका उलट मौजूद है टू थ्री का उलट थ्री टू तो इसको हम साममेट्रिक रिलेशन कहेंगे ये हमारी साइमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इसमें जो भी पेयर उठाया है ए बी ठीक है ये बिलोंग भी कर रहा है टू थ्री दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपके सेट ए से ठीक है यहाँ पे फरहाल इसलिए लिखा है कि ए हमारा टू है बी हमारा थ्री है ये बिलोंग करेंगे ए से और इसी तरह ए हमारा थ्री है और बी हमारा टू है ये भी बिलोंग कर रहे हैं ए से तो थ्री टू बी टू बी है और थ्री बी है सारे इसमें मौजूद है तो ये साइमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा एग्जाम्पल है सेम उसी तरह की हमारे पास एक रिलेशन है कंसिडर फॉलोइंग रिलेशन ऑन वन टू थ्री फोर ठीक है ये अब रिलेशन है तो इसका कुछ कन, uh, कोई कार्टिशन प्रोडक्ट किया गया और उसमें से कुछ सबसेट्स uh, निकाले गए रिलेशन बनाए गए और अब हमसे पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सा है। तो हमने हमें फाइव रिलेशन दिए गए हैं और हर रिलेशन को हमने चेक करना है उसकी एग्जामिनेशन करनी है और देखना है उस पर अप्लाई करनी है साइमेट्रिक रिलेशन की डिफिनीशन को और उसमें हम देखेंगे कि कौन सी जो रिलेशन है हमारी साइमेट्रिक है तो साइमेट्रिक कहता है कि इसमें जो भी पेयर है जो कि बिलोंग करता है ए से उसका हर एलिमेंट उसका अपोजिट पेयर मौजूद होना चाहिए सेट में तो यहाँ पे एक चीज बताता चलूँ कि ये जो रिफ्लेक्सिव पेयर हैं, जितने भी किसी भी सेट में रिफ्लेक्सिव पेयर हैं, इसको हम एग्जाम कर देते हैं साइमेट्रिक में ठीक है और इसी तरह हम ट्रांजिटिव uh, में भी इसको एग्जाम करते हैं लेकिन साइमेट्रिक में इसको एग्जाम कर देते हैं क्योंकि इसका उलट पेयर भी यही इसी शक्ल का होगा तो इसको आप एक बार ही लिखें इसको अगर लिखा भी हुआ है तो ये इसका मतलब है इसको आप एग्जाम कर दें क्योंकि अगर हम इसका आ, रिलेशन देखेंगे सैमेट्रिक का क्या है आपको जैसे बताया हर पेयर का उलट मौजूद हो तो वन वन का उलट भी वन वन ही होगा क्योंकि इस वन को अगर उधर लिख दे तो ये फिर भी वन रहेगा इस वन को इस तरफ लिख दे तो फिर भी ये वंद रहेगा तो ये एग्जाम्प्ट होता है तो इसको आप गिन लें एक दफा कि ये ओके है इसका हमें अपोजिट नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट भी बन जाए तो वो ही सेम रहेंगे हाँ दूसरा देखते हैं अभी जो पेयर दिए गए हैं हमें इनको देखते हैं वन टू मौजूद है तो इसका अपोजिट भी मौजूद है जी हाँ टू वन टू वन का अपोजिट मौजूद है वन टू वन टू का अपोजिट मौजूद है टू वन और टू वन का अपोजिट मौजूद है वन टू तो ये दोनों पेयर ओके हैं तो ये पूरा सेट हमारा जो है जो पूरा रिलेशन दिया गया है ये हमारा साइमेट्रिक है क्योंकि ये इसका अपोजिट ये खुद है इसका अपोजिट ये है इसका अपोजिट ये, ये है ए बी का बी ए और फिर ए बी का बी ए ठीक है ठेके? तो ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हमारा ओके है साइमेट्रिक है दूसरे पे आते हैं इसको फिर एग्जाम्प्ट कर देते हैं वन टू का चेक करते हैं कि क्या इसमें टू वन पड़ा है जी आए यहाँ पे हाँ ये पड़ा है टू वन तो वन टू का टू वन है इसी तरह इसको अगर देखें टू वन का अपोजिट वन टू है तो ये ओके okay है इस पे आते हैं वन फोर का क्या फोर वन पड़ा है कहीं पे उलट तो ये देखते हैं आगे चलते हैं ये भी एग्जाम्प हो गया ये भी एग्जाम्प हो गया हाँ जी ये पड़ा है फोर वन तो वन फोर वन फोर का उलट फोर वन ये मौजूद है और इसका उलट यानी फोर वन को अगर हम पहले समझे तो इसका उलट भी मौजूद है वन फोर। तो ये ओके है और ये फोर फॉर एग्जाम्पल तो ये पूरा सेट ओके है इसमें जो पेयर है उसका उलट मौजूद है तो ये ओके हो गया ये भी साइमेट्रिक है आर थ्री को चेक करते हैं टू वन अब वन टू यहां पे कहीं पड़ा है आगे देखते हैं वन टू वन टू वन टू वन टू तो कोई वन टू नहीं पड़ा तो यहीं से ही आप इसको रिजेक्ट कर दें कि इसका एक पेयर जो एक पेयर भी उसमें ऐसा आ जाए जैसे यहाँ पीछे हमने देखा भी था ये लिखा हुआ है कि अगर एक पेयर आर में है उसका उलट पेयर मौजूद नहीं है तो ऐसा रिलेशन साइमेट्रिक नहीं होगा नॉट साइमेट्रिक तो हमें एक ऐसा पेयर मिल गया जिसका उलट नहीं है तो हमने उसको फौरन रिजेक्ट कर दिया ये साइमेट्रिक नहीं है आर फोर को चेक करते हैं वन इसको एग्जाम कर दें वन टू है तो इसका टू वन तलाश करें टू वन टू वन टू वन टू वन टू वन कोई भी टू वन नहीं है इसमें तो बाकी को तो देखने की जरूरत ही नहीं है तो ये भी नहीं है आपका साइमेट्रिक और यहाँ पे सिंगल है थ्री फोर और फोर थ्री उसका उलट होगा तो फोर थ्री भी मौजूद नहीं है ठीक है जी तो ये भी नहीं है तो ये हमारे फर्स्ट जो दो हैं साइमेट्रिक हैं बाकी तीनों साइमेट्रिक नहीं है तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन डाली गई है कि दी रिलेशन आर वन एंड आर टू आर साइमेट्रिक बिकॉज इन ईच केस बी ए बिलोंग्स टू दी रिलेशन वेन एवर जब भी ए बी डज ए बी बिलोंग करता है उसका बी ए मौजूद है किसमें में आर वन और आर टू में फॉर आर वन दी ओनली थिंग टू चेक इज दैट बोथ वन टू एंड टू वन आर इन दी रिलेशन जी मौजूद हैं ये सामने आप फोर वन है, है. 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 बाकी तो आपको पता है थ्री का थ्री के साथ ये भी वही उलट बनेगा इसका भी उलट उसी शल का बनेगा इसका भी उलट इसी शक्ल का बनेगा तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं जैसे ही देखते हैं तो ये इसका आंसर हो गया और ये हमारा साइमेट्रिक रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक दोनों हो गए लास्ट है हमारे पास इसमें आपके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ठीक है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है रिलेशन आर ऑन ए सेट ए कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ वेन एवर ए बिलोंग्स टू आर एंड ठीक है जी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग टू आर ऑल्सो फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट हम उठाएंगे जो ए बी सी हैं वो बिलोंग करेंगे ए से जो भी तीन एलिमेंट हम उठाएंगे वो कुछ यू होने चाहिए ठीक है बिलोंग करे उस आर में फिर इसी ए बी का U, इस शक्ल का एक होना चाहिए बी सी यानी दूसरा एलिमेंट यहाँ पे जो है वो इसका पहला एलिमेंट होगा इसके साथ जो पेयर बनेगा फिर जो तीसरा इसका पेयर हमें चाहिए जिसको हम ट्रांजिटिव पे डिक्लेयर करेंगे उस सेट को ए और सी का यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर तो उसी आर के जो से रिलेशन है हमारे पास उसमें अगर ए सी भी है ठीक है तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा दस आर इज नॉट ट्रांजिटिव इफ देयर एग्जिस्ट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा अगर उसका ए सी नहीं है ठीक है जी तो इसमें एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री है हमारे पास ठीक है ए बी सी तीन एलिमेंट हैं जो ए में मौजूद हैं वराल है तो इसका जो हम इससे एक रिलेशन बनाते हैं इसमें 1 2 का फॉर एग्जांपल इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया और उसमें से हमने एक आ, इस के मुताबिक ट्रांजिटिव रिलेशन बनाना है तो उसमें से कौन से पेयर उठाए कुछ इस तरह के पेयर उठाएंगे 1 2 2 3 1 3 कैसे किया हमने ये ये देखिए 1 2 ए बी अब ये बी है अब यहाँ पे है बी सी तो बी तो ये था आपका ठीक है तो सेम इस ये बी यहां आ गया टू थ्री का पेयर अब हमें जो तीसरा पेयर चाहिए वन थ्री का पेयर तो वन थ्री का पेयर ये पड़ा है ठीक है जी वन टू टू थ्री ए बी, बी बी सी एंड ए सी ए सी ये है इनको अगर आप नाम दे दें ये तीन ए बी सी आपके ए बी सी तो ये ए बी का पेयर आ गया उसके बाद बी ये दो है बी और सी का पेयर आ गया अब ए और सी का पेयर तो वो ए सी तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा अगर ये तमाम पेयर्स आपके रिलेशन में मिल जाते हैं और पड़े हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन यानी अगर ए बिलोंग करता है बी से और बी रिलेट है सी से तो इसका मतलब है कि ए रिलेट होगा आपका सी से जैसे हमने फंक्शन कंपोजिशन में पढ़ा था अगर आपको याद हो कि उसमें तीन सेट थे ठीक है ए बी सी तो अगर हमने वहाँ भी ये पढ़ा था कि अगर ए बिलोंग करता है बी से तो बी बिलोंग और बी बिलोंग करता है सी से तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग करता है सी से तो वो वहाँ पे जो हमने फंक्शन में इसको पढ़ा था कंपोजिशन में वो यही भी यही अप्लाई किया जा रहा है तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कंसिडर रिलेशन ऑन वन टू थ्री फोर हमें वही एग्जाम्पल दी गई है उससे हमें कुछ रिलेशन हमने निकाले हैं ठीक है जी अब इसमें हमने ढूंढना क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन को ढूंढना है तो यहाँ पे आर वन है हमारे पास वन वन ठीक है तो इसका जो सेम पेयर है वो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये ए है ये बी है ठीक है अब इसके साथ ये ठीक है ये ए सॉरी ये बी ठीक है क्योंकि वन है तो हम यू देख रहे हैं ए बी बी सी तो वन और फिर इसके साथ सी यानी वन टू तो वन टू तो मुझे यहां पे नजर नहीं आ रहा कोई भी यानी ये देखें वन 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 टू ये ठीक है ए बी BC, बी सी यानी बी बी बराबर है बी बी दोनों सेम है और फिर ए सी वन टू तो वन टू मुझे यहां कहीं भी नज़र नहीं आ रहा ये आप इसको जरा देखें गौर से आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा अच्छा तो इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पे भी यही मसला है थ्री फोर और फोर वन ठीक है जी थ्री फोर और फोर वन और ए बी बी सी और उसके बाद ए सी थ्री वन तो थ्री वन भी कहीं नजर नहीं आ रहा इस इसमें ये भी एक पेयर का वो नहीं हो रहा सेटिंग नहीं हो रही ठीक है जी तो ये इसमें कुछ गड़बड़ है तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है ठीक है क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि अगर किसी भी पेयर का ए भी पढ़ा है उसका बी सी भी पढ़ा है ठीक है तो और इसका ए सी नहीं पढ़ा तो वो ट्रांजिटिव नहीं है तो यहां पे हमने दो ऐसे सेट्स पेर्स निकाल लिए कि जिनके साथ ये मसला है आर टू पे आते हैं आर टू पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें वन वन ठीक है और फिर वन टू इसके साथ देखते वन वन और वन टू यानी ए बी और फिर बी सी फिर उसके बाद ए सी वन टू वन टू यहां पे नहीं है ठीक है जी इसी तरह अगर आप टू वन वन टू इस दो पेयर को देखें टू वन वन टू यानी ए बी बी सी बी बी दोनों बराबर हैं ठीक है ए बी बी सी ये ए बी सी जो है ये हमारे वेरिएबल थे ये हम ज, ज, एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक वेरिएबल हमने यूज किया है उस जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है आप उसको खुद से ही सजेस्ट करेंगे यानी फॉर एग्जाम्पल ये अब मैं देख रहा हूँ ना जैसे वन, वन, फिर वन, टू। ठीक है? तो ये ए है ये बी है फॉर एग्जाम्पल तो बी और यहाँ का दूसरा जो स्टार्ट होगा दूसरे पेयर का जो स्टार्ट होगा उसको भी बी की तरह का शक्ल का होना चाहिए सेम होना चाहिए वो क्योंकि जो बी का है तो बी इस तरह भी वही होगा तो हमने ए वन वन और वन टू को देखा लेकिन इसमें वन तो टू नहीं है इसके बाद हमने टू वन और वन टू को देखा ए बी बी सी और फिर ए सी टू 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 भी इसमें नहीं है तो ये क्रॉस इसमें वो तीन पेयर बराबर नहीं हो रहे से जो हमें ट्रांजिटिव के लिए चाहिए इसमें भी तीन पेयर बराबर नहीं हो रहे ट्रांजिटिव के लिए जो हमें चाहिए इसमें भी नहीं बराबर हो रहे तो आप इसको इधर उधर से देखते रहेंगे इधर उधर से कंप्लीट देखते रहेंगे अब थ्री टू है इसका टू वन ठीक है दो पेयर मिल गए हैं थ्री टू का टू वन मिल गए हैं अब तीसरा पेयर ढूंढते हैं यानी ए बी बी सी ये तो ठीक हो गया ये दो पेयर मिल अब तीसरा पेयर क्या बनेगा थ्री और वन का यानी ए और सी का ये ए और सी ये बी बी ठीक है तो थ्री और वन का पेयर मौजूद है यहां जी हां ये मौजूद है थ्री वन का तो तीनों पेयर मौजूद है यानी ए बी बी सी और ए सी तीन पैर मौजूद हैं जो हमें चाहिए है। ये जो यहां पे लिखा हुआ है ए बी बी सी और देन ए सी ये तीनों पैर होने चाहिए आर में तो इस आर में ये तीनों है ए बी बी सी और फिर ए सी तीनों मौजूद है ये ए सी यू हम कहते हैं तीन और एक तीन दो फिर दो एक फिर तीन एक तो ये तीन एक मौजूद उसके बाद यहां आते हैं इसमें से देखते हैं इनको कि इनमें से पेयर बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा तो इसको जरा आप एग्जामिन कर रहे हैं कि किसके साथ किसका पेयर बनता है अब मैं इसको इसमें उठाता हूँ फॉर एग्जाम्पल फोर और थ्री को फोर और टू को उठा सकता हूँ ठीक है जी और फोर और थ्री को भी उठा सकता फोर तो और टू को अगर उठाता हूं मैं तो फोर टू और टू वन ठीक है जी फोर टू एंड टू वन यू आपने इसको रखना है अपने रफ अमल में रफ अमल में आप ये यू रखने हैं इन पिन के तमाम पेयर चेक करने के पेयर इसमें बनते हैं तो फोर टू ये कवर हो गया ये तीन तो कवर हो गए थे ठीक है अब ये तीन कवर करने हैं तो फोर टू और उसके साथ ये पेयर अगर मैं ले लू तो फोर टू का एक पेयर फिर टू का एक पेयर उसके बाद फोर वन का एक पेयर बनेगा फोर टू पहले आ गया फिर टू वन आ गया इसके साथ और जो तीसरा ए सी बनेगा अब ए सी क्या बनेगा ठीक है जब यहाँ पे फोर ये फोर टू है और यहाँ पे टू वन है तो आखिर तो, तो वो ए सी बनेगा फोर वन तो वो फोर वन मौजूद है ये पड़ा है ठीक है जी तो ये आप लोग चेक कर भी सकते हैं रफ अमल में इस सेट का कि आप फोर टू उठा लें फोर टू जहाँ पे दूसरा बी स्टॉप हो रहा है उसमें से आपने ऐसा पेयर उसके साथ लगाना है जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके जो फर्स्ट पेयर है उसके आखिरी एलिमेंट की शक्ल का हो सेम हो तो इस फोर टू को मैंने इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट लगाया ये तो लगा नहीं सकता था क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फोर है यहाँ पे ये यह दो पे स्टॉप हो रहा है यहाँ पे दो से स्टार्ट होना चाहिए था तो मैंने इसको उठा लिया इसकी जगह तो इधर लगा दिया तो ये टू वन हो गया और जो आखिरी बनेगा फिर वो फोर वन बनेगा ये वाला फोर वन तो फोर वन यहाँ मौजूद है तो ये कवर हो गया इसी तरह फोर थ्री को उठाएं तो फोर थ्री के ये दो पेयर बन सकते हैं यहाँ पे थ्री टू के साथ भी इसका पेयर बन सकता है फोर थ्री का और फोर थ्री का थ्री वन के साथ भी पेयर बन सकता है क्योंकि थ्री पे स्टॉप हो रहा है ये पेयर और इन दोनों में थ्री पे स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप फोर थ्री और थ्री टू का बनाएंगे तो फोर टू का फिर ए सी बनेगा तो फोर टू बना हुआ है पे पड़ा हुआ है, three, three two, फिर four two, four two पड़ा हुआ ए सी इसी तरह अगर फोर थ्री का इसके साथ बनाए तो सेम वही बनेगा फोर थ्री थ्री वन और फोर वन ए सी का फोर वन पड़ा हुआ है तो ये कंप्लीट एक दूसरे के पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों पेयर इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं जो कि हमारे पास ट्रांजिटिव के हैं तो यहाँ पे ये कंप्लीट इसकी डिटेल डाली गई है समझने के लिए आपको समझ आ जाए आर थ्री इज ट्रांजिटिव आर थ्री ट्रांजिटिव है फॉर दिस रिलेशन वी कैन शो दैट इट इज ट्रांजिटिव बाई वेरीफाइंग ए बी एंड बी सी बिलोंग टू दिस रिलेशन अगर ए बी और बी सी इसमें मौजूद है तो उसका ए सी मौजूद है फॉर इंस्टेंस आर फो ये आर फोर लिखा हुआ यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है तो ये आप इसको आर थ्री लिख दीजिएगा या मैं इसको लिख दूंगा ठीक है जी तो ये आर थ्री की बात हो रही है कि आर थ्री में कौन से पेयर है फॉर एग्जाम्पल आर थ्री इज ट्रांसिट बिकॉज थ्री टू थ्री टू और टू वन दो पेयर तो सेम है इसमें इसका जो थर्ड ए सी है वो भी मौजूद है ठीक है वो कौन सा है वो ये थ्री वन ठीक है यानी इधर से देखेंगे थ्री और वन फर्स्ट टू पेयर मौजूद है तो थ्री वन का ए भी मौजूद है इसी तरह इसमें फोर टू जैसे मैंने इसको उठाया फिर इसके साथ किया फोर टू एंड टू वन तो इसका जो फोर वन है वो मौजूद है फोर वन ये पढ़ा है इसी तरह जो इसमें फोर थ्री का था जो मैं आपको बता रहा था कि फोर थ्री का इसके साथ भी बन सकता है फोर थ्री का इसके साथ भी बन सकता है थ्री वन के साथ तो वो फोर थ्री की बात की जा रही है एंड एंड तो उसका फोर वन बनता है तो फोर वन मौजूद है ऑलरेडी आपको दिखा दिया मैंने इसी तरह फोर थ्री का थ्री टू के साथ मैंने बनाया फोर थ्री का थ्री टू के साथ तो फोर टू फोर टू भी हमारे पास मौजूद है ये पड़ा है

के साथ पेयर नहीं है ए सी का पेयर इसमें नहीं है इनका तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी प्रॉपर्टीज थी रिलेशन की कि रिलेशन क्या है उसकी प्रॉपर्टीज थी उसको हमने देखा और समझा उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी बहुत इजी है सिर्फ आप इसको रीड करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डाली हुई है समझने के लिए बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं जो इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो आपने पढ़ ली हैं और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा ठीक है जी नेक्स्ट अब इसमें हम आते हैं इक्वल रिलेशन इक्लस रिलेशन इसी से मुतालिक है इसी थ्री प्रॉपर्टीज से मुतालिक है इक्वल रिलेशन क्या होती है बहुत इजी है मैंने यहां पे एग्जांपल्स भी किए हुए हैं तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन भी इसी की तर्ज के आएंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम्पल में कोई इससे मुख्तलिफ नहीं होंगे उसी को आपने सॉल्व करना होगा तो मेथड आपको आना चाहिए रूल्स आपको सिर्फ याद होने चाहिए कि रिफ्लेक्सिव का क्या रूल है सैमेट्रिक का क्या रूल है और उसके बाद ट्रांजिटिव का क्या रूल है रिफ्लेक्सिव में आपके पास खुद से खुद तक का पेयर होना चाहिए तमाम जितने भी एलिमेंट हैं ए में उन तमाम का खुद से खुद खुँछ तक का पेयर होना चाहिए आपके रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेगा कहलाएगा सैमेट्रिक में आपका जो भी रिलेशन है उसमें उसका उलट पेयर मौजूद हो रिलेशन में जो भी आपका पेयर है उसका उलट उस रिलेशन में मौजूद हो तो वो उसका रिफ्लेक्सिव कहलाता है खैर वो तमाम एलिमेंट ए के तमाम एलिमेंट उसमें इंक्लूड ना हो लेकिन जो भी पेयर मौजूद है रिलेशन में उसमें उसका उलट मौजूद हो असिमेट्रिक कहलाता है इसी तरह हमने देखा था ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव में कहा गया है कि रिलेशन ट्रांजिटिव तभी कहलाएगी जब उस रिलेशन में जो पेयर्स हैं उनकी कुछ सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर ए बी है और बी ए है सॉरी ए बी है और बी सी है तो फिर उसका थर्ड पेयर ए सी भी उसमें मौजूद हो तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी ये रूल्स थे और वो आपने देखने हैं कि वो तम, तमाम जो एलिम पेयर्स उसमें मौजूद हैं उन तमाम पेयर्स पे ये अप्लाई होता हो इक्वलेंस रिलेशन क्या है अ रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एन इक्वलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो ठीक है जी और सेमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव का रूल भी फॉलो करे ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्स इक्वलेंस रिलेशन सॉरी कहते हैं ठीक है तो बहुत इजी डेफिनेशन है जो भी प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी वो तीनों जब एक ही रिलेशन में आ जाती हैं एक ही रिलेशन के सेट पे आ जाती हैं ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो उसकी भी फुलफिल कर रहा हो उसके रूल्स को और सैमेट्रिक के रूल्स को भी फुलफिल कर रहा हो और ट्रांजिटिव के रूल्स को भी फुलफिल कर रहा हो ऐसी रिलेशन को हम एक रिलेशन कहते हैं द नोटेशन ए और ये इक्वलेंसी का साइन है बी इज ऑफ एन यूज टू डिनोट दैट ए एंड बी आर इक्वलेंट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर इक्वलेंस रिलेशन ठीक है तो हम इसकी इक्वलेंसी जाहिर करते हैं कि ये इक्वल रिलेशन है एग्जाम्पल है और इस एक बहुत ही डिटेल के साथ की गई एग्जाम्पल है ये इससे उम्मीद है आप लोगों को दोबारा से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर वहाँ नहीं हुआ ठीक है अगर पीछे आपको नहीं हुआ तो यहाँ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा हमारे पास एक सेट है ए, ए दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव इसमें फाइव एलिमेंट्स हैं और उसका आपने रिलेशन फाइंड करना है और फिर रिलेशन कैसे फाइंड करना है उस रिलेशन <coughs> सॉरी रिलेशन बनाने का जो तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन आपको दिया गया है रिलेशन ए और बी कुछ पेयर हैं ठीक है जो बिलोंग करते हैं सेट ए से ठीक है जी ए बी का पेयर है एक रस ए से बिलोंग करेगा एक रस् आपको करना होगा जैसे है तो ये दिया गया है कि ए बी कोई पेयर है और वो पेयर डेफिनेटली कहाँ से आएगा कार्टिशन प्रोडक्ट से ही आएगा तो आपने खुद से ही एक कर लेना है अगर यहाँ नहीं भी लिखा जैसे पहले लिखा था पीछे ए कामा बी और बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी तो वो यहाँ पे नहीं है तो आपने ये करना है कि आपने खुद से ही ये पेयर जब बनाएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेट का आपने करना होगा तभी आप रिलेशन फाइंड करें रिलेशन की डिफिनीशन ही किया यही है कि आर इज सब ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या आर इज सब ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सिंगल सेट के लिए तो जब भी आपने आर फाइंड करना है तो आपने कार्टिशन प्रोडक्ट से ही फाइंड करना होगा कार्टिशन प्रोडक्ट करेंगे then, such that, उस पे ये rule apply करेंगे. यानी ये जो पेयर है जो भी आप उठाएंगे उसको जब अगर हम जमा करें तो उससे इवन नंबर बने ऐसे पेयर आपने उठाने हैं आर में ऐसे पेयर का रिलेशन बनाना है जिनको अगर हम जमा करें आपस में तो वो इवन नंबर जनरेट करें आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए शो दैट आर इज एन एक्वलेंस रिलेशन अब इसको आपने ये साबित करना है जो भी इससे बना ये रिलेशन जो भी बना इस कार्टीशन प्रोडक्ट से ठीक है पहले कार्टिशन प्रोडक्ट करेंगे उससे एक रिलेशन निकालेंगे उस रिलेशन पे ये रूल अप्लाई करेंगे फिर आप चेक करेंगे क्या वो रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है यानी वो रिफ्लेक्सिव भी है साइमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है तो वो एक रिलेशन है तो ये अब हम देखते हैं इसको बनाते हैं सबसे पहले काम करना है एक रास् कार्टिशन प्रोडक्ट करना है ठीक है तो हमने कार्टिशन प्रोडक्ट किया दो बार ए को लिख लेना है इस सेट को और उसको आपस में आपने मल्टीप्लीकार मल्टीप्लाई करना है तो ए का ए के साथ सॉरी वन का वन के साथ वन का टू के साथ वन का थ्री के साथ पेयर वन का फिर फोर के साथ पेयर वन का फिर फाइव के साथ पेयर एक हो गया फिर दो कूटाते हैं फिर टू का वन के साथ पेयर टू का टू के साथ पेयर टू का थ्री के साथ पेयर टू का फोर के साथ टू का फाइव के साथ फिर थ्री का वन के साथ थ्री का टू थ्री का थ्री के साथ थ्री का फोर के साथ और फाइव थ्री का फाइव के साथ उसके बाद तो फोर का फो वन के साथ फोर का टू फोर का थ्री के साथ फोर का फोर के साथ और ये फोर फाइव

कार्टिशन प्रोडक्ट बन गया एक से अब यहाँ पर इससे हमने रिलेशन बनाना है रिलेशन सेट निकालना है और उसके लिए हमने रूल ये अप्लाई करना है कि ऐसे पेयर हम उठाएंगे कि उनको आपस में हम प्लस करें तो वो इवन नंबर जनरेट करें तो इसमें अगर हम फर्स्ट पेयर को प्लस करते हैं तो इससे टू बनता है वन प्लस वन टू तो इसको हम उठा लेते हैं ये लगा दिया मैंने यहाँ इसको अगर एड़ मैं ऐड करता हूँ वन प्लस टू तो थ्री बनता है ये आठ बनाता है तो इसको नहीं उठाना इसको देखते हैं वन प्लस थ्री फोर बनता है तो मैंने इस पेयर को उठा दिया फिर वन प्लस फोर करता हूँ तो ये फाइव बनता है तो मैंने इसको नहीं उठाना फिर वन प्लस फाइव करता हूं तो सिक्स बनता है तो इसको उठा दिया तो फर्स्ट लाइन में मैंने ये कुछ पेयर उठा लिए जिससे इवन नंबर बनता है ऐड करने में उसके बाद दूसरे रो पे आ जाता हूँ टू प्लस वन करता हूँ तो थ्री बनता है इसको नहीं उठाता मैं ठीक है टू प्लस टू को ऐड करता हूँ फोर बनता है तो मैंने इसको उठा लिया टू प्लस थ्री को ऐड करता हूँ तो फाइव बनता है ये रिजेक्ट हो गया फिर टू प्लस फोर को जब ऐड कर सिक्स बनता है ये यहाँ आ जाएगा और इस तरह टू प्लस फाइव को सेवन बनता है तो इसको नहीं उठाना तो इस रो में मैंने ये कुछ पेयर उठा दिए इस रो में भी कुछ पेयर उठाते हैं जिससे इवन नंबर जनरेट होता है फर्स्ट थ्री प्लस फोर वन फोर बनता है उसके बाद सिक्स उसके बाद एट तो ये तीन उसके बाद चौथे रो पे सिक्स वाला ये सिक्स बनता है ये एट बनता है तो ये दो मैंने उठा लिया यहाँ पे जो फिफ्थ रो है उसमें सिक्स और फिर एट टेन ठीक है तो ये मैंने तीन उठा लिए सिक्स एट और टेन ये पेयर उठा लिए तो ये मेरा आर बन गया टू स्टेटमेंट मैंने अपना आर बना लिया इससे तो ये आर यू बनते हैं इसलिए मैंने कहा कि ये किसी स्टेटमेंट के तहत बनाए जाते हैं पीछे जो एग्जाम्पल दी गई थी आर वन आर टू आर थ्री और उस पर हमने फाइंड आउट करना था भी तो ये अब हमने इस पे ये फाइंड करना है ये पूरी रिलेशन हमारे पास बन गई है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव को फुलफिल करती है साइमेट्रिक को भी फुलफिल करती है और ट्रांटिव को भी फुलफिल कर दिया तो ये हमारी इक्वलेंस रिलेशन कहलाएगी अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं हो रहा तो ये हमारी इक्वलेंस रिलेशन नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा सेम इज इट एज इट इज और आपने उसमें से सबसे पहले इस रूल के मुताबिक रिलेशन बनाना है और फिर उस रिलेशन पे ये तीनों चीजें रूल्स अप्लाई करने हैं तो आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रूल था ठीक है तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव का रूल चेक करेंगे देन फिर उसके ऊपर आप असाट्रिक का रूल भी चेक करेंगे देन उसके ऊपर फिर आप ट्रांजिटिव का रूल भी चेक करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें देखें कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का रूल ये है कि इस रिलेशन के सेट में जो एलिमेंट हैं ए में है, यानी ये फाइव एलिमेंट है इन सब का खुद से खुद तक का पेयर मौजूद हो खुद से खुद तक का पेयर मौजूद हो तो यहाँ पे वन का देखते हैं सबसे पहले वाइस वन का तो इस वन का पेयर मौजूद है फिर टू का देखते हैं टू का पेयर भी मौजूद है फिर सेट में थ्री का पेयर देखते हैं थ्री एलिमेंट भी है तो थ्री का पेयर भी मौजूद है फोर्थ एलिमेंट भी है फोर्थ का पेयर भी मौजूद है और फाइव एलिमेंट भी है तो फिफ्थ फाइव फाइव का पेयर भी मौजूद है तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये इस बात को साबित करती है कि इसमें हर एलिमेंट ए का जो मौजूद है ए में वो उसका इट सेल्फ के साथ रिलेशन आर टू ए, तू ए, या, ए आर या ए आर ए मौजूद है तो रिलेट कर रहा है, खुद के साथ इट सेल्फ के साथ तो वो रिफ्लेक्सिव है नेक्स्ट इसमें अब हम साइमेट्रिक देखते हैं <coughs> तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको एग्जाम कर दें, जैसे मैंने पहले कहा था इसका उलट यही होगा तो वन थ्री का उलट देखते हैं वन और थ्री तो इस सेट में वन थ्री का उलट थ्री वन होता है तो थ्री वन मौजूद है ये हो गया अब वन फाइव का देखते हैं फाइव वन होगा तो फाइव वन मौजूद है टू टू को एग्जाम करते हैं इसका इसका उलट भी यही है तो टू फोर का देखते हैं फोर टू तो फोर टू ये पड़ा है मौजूद है इसी तरह थ्री वन तो का उलट वन थ्री मौजूद है थ्री थ्री को एग्जाम कर देते हैं इसका उलट यही होगा थ्री फाइव पे आते हैं का, फाइव थ्री होगा तो फाइव थ्री मौजूद है अगले पे जाते हैं फोर टू फोर टू का उलट टू फोर है तो टू फोर यहाँ पे मौजूद है फोर फोर पे एग्जाम करते हैं इसका उलट भी यही है तो फाइव वन पे आते हैं वन फाइव वन फाइव यहाँ मौजूद है सेम इज इट इज़ फाइव थ्री का उलट थ्री फाइव होता है तो थ्री फाइव ये पड़ा है सेम इट इज फाइव फाइव का उलट फाइव फाइव ही होता है तो ये भी मौजूद है तो ये हमारे पास जो रिलेशन है ये साइमेट्रिक बी है ये साबित हुआ ये रोज मुझे याद हैं तो आपको भी याद हो जाएंगे अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो ये दो बातें कंप्लीट हो गए ठीक है जी ये दो बातें यहाँ पे आ गए ये हमारे पास वही रिलेशन है मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया वहां पे ऊपर नीचे था यहाँ पे लाइन में है तो फर्स्ट वी लुक फर्स्ट वी चेक द फर्स्ट प्रॉपर्टी देन सेकंड एंड देन थर्ड तो फर्स्ट था रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में है कि ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव मौजूद था इसमें <coughs> तो सारी भी है सारी है क्यों क्योंकि ए बी अगर यहाँ आर में बिलोंग करता है तो उसका बी ए भी बिलोंग करता है आर में जैसे वन थ्री का थ्री वन पड़ा है टू फोर का फोर टू पड़ा है थ्री फाइव का फाइव थ्री पड़ा है और इस तरह अगर इधर से देखें थ्री वन का वन थ्री पड़ा है फाइव वन का टू फोर पड़ा, पड़ा है और फाइव थ्री का थ्री फाइव पड़ा है सो so, सिमेट्रिक। so अब लास्ट प्रॉपर्टी है हम इसकी चेक करेंगे और वो है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो थोड़ी सी लंबी है उसको आपने यहाँ पे अच्छी तरह समझना है इसको बड़ी डिटेल में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है आपकी आसानी के लिए कि ये हमारे पास एक रिलेशन है तो इसमें अगर आपने ट्रांजिटिव को देखना है तो उसके लिए तीन पेयर्स देखने होंगे थ्री पेयर्स चेक करने होंगे और वन बाय वन चेक करने होंगे तो आपके लिए वो आसान होगा फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव में कहा जाता है कि इफ़ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर अगर ये दो पेयर आर में है रिलेशन में मौजूद हैं तो उसका ए सी पेयर भी मौजूद होना चाहिए यानी ए और सी यानी ए की जगह जो एलिमेंट है वो रिलेट करेगा सी की जगह एलिमेंट पे तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस पेयर को उठाते हैं और इसके साथ पेयर बनाते हैं वन वन का पेयर मैंने उठाया इसके साथ जो एडजस्टमेंट पेयर बनेगा वो है वन थ्री का तो ये सेटिस्फाई है इस कंडीशन को ए बी और फिर बी सी यानी बी पे यहां खत्म हो रहा है और यहां दूसरे पेयर में बी से स्टार्ट हो रहा है बी की जगह एलिमेंट सेम होगा जो यहाँ एलिमेंट होगा वो यहाँ भी सेम हो, ये दो मुख्तलफ़ हो भी सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं लेकिन ये दो सेम होंगे जैसे ए ए लिखा था रिफ्लेक्सिव में तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे यहाँ पे बी बी लिखा है तो सेम ही होंगे तो ए वन वन और फिर वन थ्री तो ये दो सेम ही रहेंगे इनको आपने हमेशा सेम लाना है आप ये देख लें हर जगह ये दो सेम है ये दो सेम है ये दो सेम है ये सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते लेकिन ये दरमियान वाले हमेशा आपको सेम ही नजर आ रहे है ये देखिए सेम ये नीचे तक जहा चले जाएँ, इस जगह तक आ जाए दोनों सेम, सेम 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 तो ये बी और बी ठीक है ये सेम हो गए तो ये दो पेयर तो ठीक है अब वन थ्री का पेयर भी है ए सी तो वो भी मौजूद है ये वन थ्री तो ये साबित हो गया फर्स्ट यानी वन थ्री वन वन थ्री और फिर इसके साथ इसका वन थ्री तो ये वन थ्री खुद का पड़ा हुआ है यानी जो वन थ्री का पेयर हम बना रहे हैं वो ये मौजूद है इसी शक्ल में तो ये कंप्लीट हो गया अब वन वन के साथ हम इसके साथ तो हमने चेक कर लिया इसके साथ चेक कर दें, वन वन के साथ वन फाइव क्योंकि ये और ये सेम है तो ये बन सकता है ये दो पेयर बन गए वन 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 फाइव अब वन फाइव भी बिलोंग करता है आर के साथ वो ये पड़ा। यानी वन, वन 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 फाइव और फिर वन फाइव ये वाला तो वन फाइव मौजूद है वो ये है तो ये कंप्लीट हो गया वन 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 के साथ दूसरा कहीं पे भी पेयर आगे नहीं बनता क्योंकि दूसरा एलिमेंट जो दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो कहीं पे भी वन नहीं है तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा यहाँ इन दोनों में जो इसके साथ दूसरा पेयर बन रहा था उसका फर्स्ट एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट थर्ड रेलिमेंट था जैसे यहाँ पे बी भी, भी है तो इसलिए हमने इन दोनों पेयर को किया अब हम वन थ्री पे आते हैं अब थ्री वाले ढूंढते हैं इसको क्योंकि यहां थ्री पे स्टॉप हो रहा है तो जहां से थ्री वाले स्टार्ट हो रहे हैं उसको करेंगे वन थ्री और फिर थ्री वन वन थ्री थ्री वन वन थ्री थ्री वन ए बी बी सी अब हमें वन वन वाला ढूंढना है तो क्या इसमें वन वन है जी हां वन वन भी है तो वन थ्री थ्री वन और फिर वन वन तो वन वन ये पड़ा है तो इसका तीसरा भी पेयर पड़ा है ये भी ओके okay हो गया अब वन थ्री अगला थ्री 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 ये दोनों पेयर तो हैं, तो क्या वन थ्री भी है जी हां वन थ्री ये पड़ा है तो वो भी बिलोंग करता है यहाँ पे लिखा हुआ अगर ये बिलोंग करते हैं आर से तो इसका मतलब है एम्प्लाइज दैट ये भी इसको बिलोंग ठीक है जी तो वन थ्री और फिर थ्री फाइव वन थ्री थ्री फाइव ये बिलोंग करते हैं आर से तो क्या वन फाइव भी पड़ा है जी हाँ वन फाइव ये पड़ा है ठीक है जी वन थ्री थ्री फाइव तो वन फाइव तो वन फाइव ढूंढे ये पड़ा है तो ये इसके बाद थ्री वाला खत्म हो गया थ्री के साथ और कोई नहीं है 13 वाला पेयर भी उड़ गया ये भी उड़ गया अब 15 वाला आएगा 15 अब 5 वाले ढूंढ ले कहां 5 स्टार्ट हो रहा है 5 5 5 5 ये नीचे तीन है 15 51 15 51 यानी ये बी भी, भी हमने सेम रख लें 15 51 ये तो है आर में तो क्या 11 भी है जी हाँ इंप्लाईज वन वन बिलोंग टू आर वो ये पड़ा है ढूंढे जरा तो ये पड़ा है अगेन वन फाइव फाइव थ्री वन फाइव और फिर फाइव थ्री तो क्या वन थ्री भी मौजूद है जी हाँ फाइव वन थ्री ढूंढे ये पड़ा है। तो इसके तीन पेयर मौजूद हैं इसी तरह वन फाइव और फाइव फाइव वन फाइव और फिर फाइव फाइव हमने हमेशा इस इस शक्ल को फॉलो करना है ये शकल तीन पेयर का शक्ल जो है ए बी बी सी और फिर ए सी ए बी बी सी फिर ए सी तो ये मैं वो फॉलो कर रहा हूँ ए बी बी सी ठीक है ये सेम होने चाहिए क्योंकि ये बी बी है सेम है अगेन अब वन फाइव जी हाँ वन फाइव पड़ा है ये तो इसका पेयर भी मौजूद है तीसरा पेयर तो ये खत्म हो गया अब टू टू पे आ जाते हैं तो यहाँ पे टू टू इसके साथ स्टार्ट हो रहा है तो टू 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 फोर दोनों सेम बी बी टू टू टू, टू फोर और फिर आखिरी टू फोर तो टू फोर का पेयर ये पड़ा है इसी के अंदर तो ये ओके हो गया अब टू वाले खत्म हो गए हैं बाकी इतना तो कोई टू वाला नहीं है कि उसके पेयर देखा जाए तो ये कंप्लीट हो गया अब टू फोर पे आते हैं टू फोर और यहां पे, फोर टू टू फोर का फोर टू के साथ और फिर टू टू ये टू टू पड़ा है ठीक है जी तो ये लिखा हुआ है टू 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 फोर और फिर टू फोर टू फोर ये पड़ा ठीक है जी तो ये इसका हो गया अब आते हैं इसकी तरफ थ्री वन तो थ्री वन का अब हमें बैक पे जाना होगा ये दो पेयर इसके साथ थ्री वन का बन सकता है तो थ्री वन 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 और फिर थ्री वन थ्री वन ये पड़ा है थ्री वन और थ्री वन ये थ्री वन और वन वन के साथ फिर थ्री इसका और वन ये लास्ट वन तो थ्री वन मत है वो ये पड़ा है इसका फिर थ्री वन का वन थ्री के साथ थ्री वन का वन थ्री के साथ अब थ्री थ्री तो थ्री थ्री यहां पड़ा है, ये तो ये भी बिलोंग कर तो ये भी कंप्लीट हो गया अब थ्री वन का हमने वन फाइव के साथ देखना है। ये <coughs> थ्री वन वन फाइव अब थ्री फाइव तो थ्री फाइव ये पड़ा है ये भी पढ़ा है तो ये भी फुलफिल हो गया अब आते हैं इस पे थ्री थ्री पे सो so, थ्री थ्री और फिर थ्री वन इधर से देखेंगे इस तरफ ये तो हमने कर लिया अब इसकी बारी है थ्री 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 वन और फिर थ्री वन थ्री वन य पढ़ा है थ्री थ्री और इसके साथ इस तरफ लगेगा थ्री वन तो आखिरी एलिमेंट क्या बनेगा ये इसका फर्स्ट और इसका लास्ट तो थ्री वन थ्री वन ये पड़ेगा उसके बाद थ्री 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 फाइव तो ये आखिर में थ्री फाइव थ्री फाइव तो मौजूद है तो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं के। अगर ये है तो इसका ये भी है तो सारों को मैंने किया और लास्ट में सिर्फ फाइव वाले को छोड़ा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी आपके लिए मैंने छोड़ दिया उसका आपने फाइंड करना था इसका लेदा पहले सबके साथ देखना है फिर इसका लेदा सबके साथ देखना है फिर इसका लेदा सबके साथ देखना है इन तीनों का लास्ट वन का ठीक है यहाँ पे आप फोर टू का देख लें जैसे मैंने थ्री फाइव का है तो फाइव के ये तीन है तो इसे चेक करेंगे थ्री फाइव का फाइव वन फिर थ्री वन तो थ्री वन यहाँ पे पड़ा है फिर थ्री फाइव का फाइव थ्री के साथ फिर थ्री थ्री लास्ट वाले थ्री थ्री वो ये पड़ा है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं थ्री फाइव का फाइव वन के साथ है तो इसका जो लास्ट बनेगा वो थ्री वन बनेगा थ्री वन मौजूद है इसी तरह थ्री फाइव का फाइव थ्री के साथ है इसके साथ जो लास्ट इसका बनेगा वो बनेगा थ्री 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 मौजूद है ये पड़ा है इसी तरह थ्री फाइव का फिर फाइव फाइव के साथ बनेगा इसका जो लास्ट जो ए सी बनेगा वो बनेगा थ्री फाइव थ्री फाइव ये पड़ा है इसके बाद फोर टू को उठा लें फोर टू के साथ ये दो बड़े पड़े हैं ये बनेंगे तो फोर टू का पहले टू टू के साथ जो इसका बनेगा ए सी वो बनेगा फोर टू फोर टू पड़ा हुआ है ये पढ़ो। उसके बाद फोर टू का टू फोर के साथ कम्बिनेशन बनेगा टू फोर के साथ जब बनेगा तो फोर फोर इसका ए सी है फोर फोर चेक करेंगे तो ये पड़ा है तो ये भी आ गया उसके बाद फोर फोर है अब फोर फोर का कोई ये पेयर है तो आप इसको इसके साथ कर लें फोर 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 टू फोर 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 टू और इसका जो सी पेयर है ए सी का पेयर वो है फोर टू फोर टू पड़ा हुआ है तो ये पेयर आपस में सारे आ गए अब आएगा फाइव वन का तो फाइव वन वन ये है और इसके साथ ये तीन आप चेक करेंगे तो फाइव वन 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 और फिर लास्ट लास्ट जो होगा इसका एलिमेंट फाइव और इसका वन यानी इसका ये पहला आएगा ये दूसरे नंबर पे आएगा फाइव वन 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 तो आखिरी फाइव वन फाइव वन पड़ा है फिर फाइव वन वन थ्री तो फाइव थ्री फाइव थ्री पड़ा है फिर फाइव वन वन फाइव और फाइव फाइव वो ये पड़ा है तो ये ओके okay है तो ये आपने इस तरह जैसे ये स्टेप लिए हैं ये आपने इधर लिखने हैं फिर फाइव वन के लिए आपने फिर आपने इस पे आना है फाइव थ्री पे तो थ्री यहाँ पे एंड हो रहा है वो तो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है थ्री यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फाइव थ्री थ्री वन और फिर फाइव वन फाइव वन ये पड़ा, फिर फाइव थ्री और फिर थ्री थ्री तो लास्ट में फाइव थ्री ये पढ़े फाइव थ्री थ्री फाइव फिर फाइव 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 तो ये आपका फाइव थ्री कंप्लीट हो गया उसके बाद फाइव फाइव है अब फाइव फाइव को आपने इन्हीं के साथ करना है इन दो के साथ फाइव फाइव और फाइव वन और फिर आखिर में फाइव वन ये पढ़े फाइव थ्री ठीक है फिर वही तो ये आपका आपका, हो जाएगा, ये तो ये तो साबित हुआ सो आर इज आल्सो ट्रांजिटिव हैज प्रूव दैट आर इज एन एक रिलेशन चूंकि ट्रांजिटिव भी है ठीक है साइमेट्रिक भी था और रिफ्लेक्सिव भी था तो ये प्रूफ हुआ कि ये जो हमारे पास रिलेशन थी एक ये जो हमने बनाई थी क्वेश्चन में हमें दी थी ये साबित हुई कि ये एक, एक रिलेशन है क्योंकि इसने तीनों चीजों को फुलफिल किया है ठीक है जी तो ये एक कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि एकोलिस रिलेशन क्या है इसमें वो सी तीन चीजों को दोबारा हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को मजीद अच्छी तरह समझ आ जाए कि रिलेशन क्या है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या हैं उसके बाद एक रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है जी तो ये आपका आज का लेक्चर था उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कोई इशू हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं अदरवाइज़ आप लोग इसको अच्छी तरह देख लें समझ लें इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़